48 घंटे के प्रवास के लिए यहाँ पर स्मृति जी को बधाई देना चाहती हूँ कि और उनकी पूरी टीम को इसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से हर एक जिले में इस प्रवास को संपन्न किया गया। इस प्रवास का जो उद्देश्य था वो था कि किस प्रकार से महिला मोर्चा का जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको हम कैसे और मजबूत कर सकें, कैसे हम जो बात करते हैं हर एक बूथ 10 यूथ की करते थे और वन बूथ 20 यूथ एंड 20 महिला की हम बात करते थे, तो आज उसको सच में भी कैसे वो हो, कैसे वो होना चाहिए, उसके लिए आपको कैसे ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करना चाहिए, उसके लिए मैं पूरी इस प्रदेश टीम को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो कि स्मृति जी के नेतृत्व में यहाँ चल रही है, और पूरे जो हमारे प्रदेश है, जो भाजपा है, उसको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वानती जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा जो यहाँ पर आए, और कौन से लोग आए मैं आपको वो बताना चाहूँगी, जो दूर दूर के प्रदेशों की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, इस तरीके से दिल्ली की हैं, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आकर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रवास किया। ऐसे ही जो महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मेयर हैं, ऐसे अच्छे पदाधिकारी, कुछ MLAs हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सभी लोगों ने आकर यहाँ पर प्रवास किया। जो हमारी NEC मेंबर्स हैं उनमें उन्होंने यहाँ पर आके प्रवास किया, तो एक अच्छा संगठनात्मक प्रवास हुआ, जिसमें कि हमारी जो संगठन का जो बैठक थी वो इसमें हुई, और उनकी एक किस प्रकार से उसको आगे काम करना चाहिए उसके दिशा निर्देश मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मूल मंत्र पे काम करती है, ये तो हमने किया ही जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल काम करना था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं का काम यानी आधी आबादी का काम होता है, तो महिला मोर्चा का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में बन जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं महिला मोर्चा जो है वो इस देश की, इस प्रदेश की, और मैं कहूँगी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए ज़्यादा हमारे लिए काम है। और मूल मंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है, और हम उस मूल मंत्र पे आज चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उसके साथ साथ सबका प्रयास, तो आज उसकी आज ज़रूरत है कि जब हमको सबका साथ और सबका विकास करना है, ये इस मूल मंत्र पर केंद्र की सरकार चलती है, लेकिन आपकी जो प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल भी इस मूल मंत्र के बिल्कुल उलट काम करती है, ना वो सबके साथ में बिलीव करती है, ना सबके काम पे, ना विश्वास पे, ना सबके प्रयास पे, क्योंकि मैंने जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ जो लाभ मिल रहा है वो आप देखेंगे कि 80 से 90% अगर आप देखेंगे तो वो लगभग वही लोग हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हैं, जो BJD से जुड़े लोग हैं, उन्हीं को योजनाओं का लाभ भी मिलता है, उन्हीं को बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वही मिलती हैं, तो ये यहाँ पर देखने को, ये मूल मंत्र जो हमारा है वो यहाँ पर नहीं है, ये इस पार्टी का पर्पस नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने करी, हम यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हमें मिलना था, हमें आंगनबाड़ियों में जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए। और हम क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार यहाँ 34 दिन से यहाँ पर धरने पर हैं, आंदोलनरत हैं, और अभी भी हम सीधे एक यहीं पर जो आंगनबाड़ी आंदोलन कर रही हैं, कौन सा चौक है, लोअर पीएमजी जो चौक है वहाँ, उस चौक से अभी हम होकर आए हैं, और ऐसे ही हर जिले में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के सामने ये हो रहा है आंदोलन, वहाँ पर हमारे लोग गए और उनसे मिल के आए, और लगातार उनके साथ मिलना हो भी रहा है। बाकी प्रदेशों में अगर हम देखें तो पोषण अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है, आज से पहले कभी ऐसी कोई सरकारें नहीं आई जिनको बच्चों की इतनी चिंता थी, जिनको ये चिंता थी कि भविष्य में मेरा देश कैसा होगा, क्या ये देश एक स्वस्थ भारत के रूप में भविष्य में आएगा, या ऐसे ही अस्वस्थ भारत और मैल न्यूट्रिशन भारत हमें मिलेगा, यहाँ के युवा कैसे होंगे।
तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी को ये चिंता है, नीति आयोग की रिपोर्ट वो हर 6 महीने में मंगवाते हैं इस पर और खुद इसको मॉनिटर करते हैं कि कैसे यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे ज़िले हैं जिनमें ज़्यादा एनीमिक हैं, ज़्यादा मैलन्यूट्रिशन बच्चे हैं, वो कैसे कैसे उनको रेड जोन में उसमें किया हुआ है, कैसे कैसे उनको ग्रीन जोन में, ब्लू जोन में लेके आया जाए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। तो पोषण कैसे हमारे छोटे बच्चों को मिले, और वो शुरू होता है आंगनबाड़ी से, और आंगनबाड़ी में उनके जन्म से पहले जो हमारी जो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो उसके लिए जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हैं उनका लाभ यहाँ कुछ कुछ जगह मिलता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आपने नाम भी बदल दिया है।